केंद्रीय जल आयोग एवं अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड 2 द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर घाघरा नदी में कुल 4,42,608 क्यूसेक पानी गिरजा शारदा एवं सरयू बैराज से छोड़ा गया है, जिसके कारण आगामी 2 से 3 दिन के अंदर नदी के जल स्तर में भारी वृद्धि होने की संभावना है। वर्तमान में नदी अपने खतरे के बिंदु 92.73 के सापेक्ष 91.18 RL मीटर पर बह रही है। यह जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व तथा प्रभारी अधिकारी आपदा राजेश कुमार सिंह ने बताया कि ग्राम बघा दीवार बढ़लगंज गोला में नदी के जल स्तर घटने के साथ साथ कटान हो रही है, जहां पर ट्री संपर बैम्बू क्रैट आदि अन्य रोधक कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नदी के उतार चढ़ाव को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि तहसील खजनी एवं गोला में सतर्कता बनाए रखी जाए। उन्होंने समस्त संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि उप जिलाधिकारी गोला एवं अधिशासी अभियंता बाढ़खंड 2 गोरखपुर के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, हमारी जो घाघरा नदी है सरयू नदी में पीछे से ऊपर की तरफ से लगभग 7,00,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे ये संभावना बनेगी आगामी 2 दिनों में कि हमारे जनपद गोरखपुर में गोला बढ़लगंज और उधर खजनी के बॉर्डर पे घाघरा में पानी खतरे के निशान के आसपास आ सकता है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि वे नदी के किनारे ना जाएं, सतर्क रहें, और ये पानी 2 दिन बाद आएगा और फिर 1-2 दिन में ही ये पानी अपना फिर मूल स्तर पे वापस लौट आएगा। सर, पानी भी छोड़ा गया है, ये पानी छोड़ा गया है पीछे से और अभी गोंडा के आसपास पहुंचा है। नदी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कल से परसों तक खतरे के निशान के आसपास या उसके नीचे आ जाएगा। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन लोगों को सतर्क रहना आवश्यक होगा कि अचानक ही पानी आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि नदी में जाएं और नुकसान हो जाए।